सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से शुद्धि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आप और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और पुण्यात्मा, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में योगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, लख चौरासी सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहाँ भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन जिस जीवन, जिस मानव शरीर में परमात्मा मिल सकता है, तो वो परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जोंके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे लख चौरासी माँ, 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं, कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो, बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य से, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से और
परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारम्बार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फेर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है, काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहाँ जकड़ रखा है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, ये न त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है। फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं, उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको, जो सद्भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे, और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं। और ऐ भक्त हैं, जो भी हैं परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसे बनता है। कहते हैं जैसे ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है, ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक ऐसा एक बर्तन रखते हैं स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने, कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है बर्त, वो पात्र सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज़्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं उन बाहर के दानों को देखकर, उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज़्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज़्यादा चने पड़े हैं, वो उसमें हाथ घुसोड़ कर और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर कर फिर वो भागने की सोचता है कि ले अच्छा माल मिल गया, भाग लूँ। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं जान बच जा, वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कहे, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार,
जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बह बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है, आपके और हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था बंदर पकड़ने वाले को कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता वो, और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया, उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख बोला हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोलेगा नहीं तो किसी प्रकार भी नहीं निकला है। और मुट्ठी छुटवाने की चेष्टा करे मन माने बुड़का भर ले काट ले मुँह तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को नो समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना मानने बैठा है भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खाने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है, ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे। क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला व्यक्ति, ये बोला बंदर फंस गया और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गांव में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से, दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा इब केला और उठा ले, वो थोड़ा दूरी पर था नू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें, अब केला ठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया, वो केला ठा के भाग गया, जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने ठा के भाग जावांगे, मारे बस की मुट्ठी छोड़नी को ना।